सोशल मीडिया पर एक वीडियो जिसमें बच्ची बहुत प्रभावी अंदाज में गुजराती भाषा में भाषण दे रही है, जिसमें नरेंद्र मोदी उनके साथ है। हमारे साथ सुप्रिया सिनेत्र हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई। मैम, किस बात पे आपत्ति है कि बच्ची का प्रयोग किया गया? मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज वो चुप क्यों हैं? NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के हेड प्रियांक कानूनगो जी को बड़ी आपत्ति थी जब छोटे बच्चे लालायित होकर राहुल जी के पास आ रहे थे, गैर राजनीतिक कार्यक्रम में, गैर राजनीतिक बात, कोई वोट की बात नहीं हो रही थी। आज आचार संहिता लागू है, प्रधानमंत्री के बगल में एक लड़की खड़े होकर उसका विशुद्ध राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, वो विशुद्ध वोट की बात कर रही है, उसको हर बीजेपी वाला शेयर कर रहा है, खूब वीडियो चल रहा है। प्रियांक कानूनगो जी कौन सी कुंभकर्ण की नींद सोए हैं? पहले तो बड़ी खलबली में थे इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखने में, अब चिट्ठी क्यों नहीं लिख रहे? क्या अपना साहस, अपनी हिम्मत वो शाखा में छोड़ आए हैं जहां पर वो सुबह जाकर प्रैक्टिस करते हैं, या वो वाकई में बच्चों की कद्र करते हैं? अगर वो वाकई में चिंतित हैं बच्चों को लेकर, तो इससे बढ़िया मौका कोई नहीं होगा। लेकिन हाँ, प्रियांक कानूनगो जी जैसे जो लोग हैं वो अपने पदों पर बैठकर उसका दुरुपयोग करते हैं, और ये उसका फिर से एक नमूना है। मैम, प्रधानमंत्री अभी गुजरात में कैंपेन पर हैं, आपको लगता है कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग में इस मामले पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है हम उस हर संभव कार्रवाई करेंगे जो हमें करनी चाहिए इस मामले पर। धन्यवाद। अमन कुमार, दिल्ली, News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।